नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोंगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए क्लास नंबर 57 भी। 56 क्लास हो चुकी है, यदि अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है, स्टॉक मार्केट के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेकर आ रहे हैं, तो हमारे यहां पर YouTube के चैनल पर हमारे यहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उसमें शेयर मार्केट की प्लेलिस्ट में जाएंगे, पूरी 56 क्लास एक से लेकर 56 तक मिल जाएगी, आपकी आंखें खुल जाएगी। ऐसी क्लासेस हम लोग आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सब लोगों का फेवरेट टॉपिक हो सकता है। भैया कैसे जाने कि मार्केट कहां जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। यदि यही बात समझ में आ गई, यदि यही बात पकड़ में आ गई, तो फिर हमारे मन में क्लैरिटी रहेगी और हम उस हिसाब से प्लान बना पाएंगे। तो भैया स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्या होने वाला है, इसका यदि एक मोटा मोटा आकलन निकालना है, क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं बता सकता इस मार्केट में कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, लेकिन यदि 70-80% भी आपकी प्रोबेबिलिटी ठीक निकलती है, तो और यदि आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आप पोजीशंस होल्ड करने में कंफर्टेबल महसूस करेंगे और एक कॉन्फिडेंस भी आता है जो नेक्स्ट लेवल होता है। तो आज हम इस क्लास में यही जानने वाले हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में आपको कैसे पता चलेगा कि जो मार्केट है, मार्केट भगवान जिसको कहते हैं, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो उससे पहले हम सभी बता दें कि हम लोग मॉक ट्रेडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और 5 नियम हमें हमेशा याद रखते हैं कि भैया पेशेंस रखना है आपको, डिसिप्लिन रखना है, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है, ईगो नहीं आने देना है और लालच नहीं करना है। ये आपको अब याद हो चुका होगा, अपने घर पे एक पेपर पेन पर पेन से एक पेपर पर लिखिएगा, अपने डेस्क पर या कहीं पर भी इसको लिख के रख लीजिएगा, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। अब कैसे पता चलेगा, तो भैया हमारे पास एक जादू है। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा जो है 26 जनवरी वाला जो ऑफर है वो चालू हो गया है, और पूरे 60% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। किस चीज पर? 1 फरवरी से हमारा नया गुरुकुल शुरू होने जा रहा है। यदि आपको नहीं पता गुरुकुल क्या है, तो उसके बारे में बता देता हूं। जो बच्चे अभी तक भी ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब जो है ऑफर बहुत तगड़ा है। आपको 3999 में पूरे 1.5 महीने के लिए लाइव क्लास में लाइव आकर पढ़ाऊंगा, रात को 1.5 से 2 घंटे, 9 बजे से टाइमिंग शुरू होता है, 10:30, 11, 12 भी बज जाते हैं कभी, और उसमें हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर आप इस क्लास को, इस 3rd वाले गुरुकुल के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। A to Z सिखाएंगे, 60% ऑफ है। 9999 का कोर्स है, लेकिन आप लोगों के लिए 3999, इससे बढ़िया डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं हम इसमें, एक बार मैं बता देता हूं। डेली लाइव क्लास होती है, और इसके साथ रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, मतलब जो लाइव होगी वो तो उसका रिकॉर्डिंग तो मिलेगा ही, लेकिन एक रिकॉर्डेड कोर्स अलग से मिलेगा, जो आपके लिए अलग से फायदेमंद होगा। बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट सीखते हैं, कैश में स्टॉक मार्केट में कैसे स्टॉक को सेलेक्ट करके खरीदते हैं और लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, तो वो हम सिखाते हैं, देते नहीं है, सिखाते हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, फिबोनाची, एलियट वेव, ऑप्शन चेन, स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, हेल्थ, माइंड मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, मेडिटेशन, और भी बहुत कुछ जो है इस कोर्स में हम लोग देते हैं। पूरे 1.5 महीने 45 से 50 दिन हम लोग साथ में रहते हैं, और हर दिन, कोई भी दिन ऐसा नहीं छूटता जब क्लास नहीं होती है, हर दिन हम क्लास लेते हैं और उसमें सिखाते हैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट बहुत बारीकी से। यहां भी आप लोग सीखते हैं, लेकिन जब पर्सनल टच मिलता है, आपके क्वेश्चन मेरे जवाब मिलते हैं, तो और बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ पाती है। तो यदि आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत लिमिटेड समय का ऑफर है, ये 26 जनवरी का ऑफर है, स्पेशल ऑफर है, 1 फरवरी से बैच शुरू होगा, देर मत लगाइएगा, बिल्कुल इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मार्केट में कैसे पता लगेगा कि भैया मार्केट ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, कैसे प्रेडिक्शन करते हैं। अब इसके अंदर एक थ्योरी है जिसे कहते हैं हम लोग एलियट वेव थ्योरी, जिसके बारे में मैं आपको बहुत समय से बता रहा था कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आज इसी थ्योरी को हम लोग पढ़ते हैं और इससे सीखने की कोशिश करते हैं कि पहले से कैसे लोग प्रेडिक्ट करते हैं, या बड़े लोग कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट कब शुरू होगा, कहां तक जाएगा, कब कौन सी वेव आएगी और कब मार्केट खत्म होगा, उसके बाद बेचना है, हर एक चीज को हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। अब एलियट वेव थ्योरी है क्या एक्चुअल में? जैसे आप लोगों ने एक फिबोनाची का भी कोर्स मैंने करवाया था आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं देखा हो वो क्लास भी देख सकते हैं। फिबोनाची से भी हम पता लगाते हैं कि मार्केट कितना रिट्रेस कर सकता है, कितना ऊपर जा सकता है, उसके लेवल लगाकर हम लोग पता लगाते हैं। कुछ ऐसा ही है एलियट वेव थ्योरी, जिसके अंदर एक थ्योरी है। अब देखिए स्टॉक मार्केट में मैं बार बार कहता हूं कोई भी चीज 100% नहीं होती, लेकिन 70-80% भी आपको कोई चीज सही मिल रही है, करेक्ट मिल रही है, जो कि एग्जांपल के थ्रू मैं दिखाऊंगा आपको, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस पर भरोसा करेंगे। क्योंकि शेयर मार्केट में कोई ऐसी चीज नहीं है कि भैया C+O2 = CO2 होता है, है ना, ऐसा कोई विज्ञान नहीं है, ये आर्ट है, ये आर्ट को डेवलप करना पड़ता है। जैसे एक लड़की एक रस्सी पर चलती है
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया हर व्यक्ति उस पर चल पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति उस आर्ट को, उस कला को सीखेगा, वो बैलेंस बनाना सीखेगा, वो आग बंद करके भी उस रस्सी पर चल सकता है। तो ये ऐसी ही एक रस्सी है जिस पर आपको आग बंद करके चलना पड़ता है। आपको नहीं पता होता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन आपको एक रिस्क लेना होता है और अपनी प्रोबेबिलिटी के अनुसार आपको शेयर मार्केट में पैसा निवेश करना होता है। अब वो अनुमान जितना सही होगा आपका उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, और वो अनुमान जितना ज्यादा गलत होगा आप उतना ज्यादा लॉस में आएंगे। तो यही आपको सीखना है। तो उस अनुमान को लगाने के लिए मार्केट कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, एलियट वेव थ्योरी बनी। और इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है उसको मैं आपको सिखाता हूं। उसका मेन कॉन्सेप्ट है कि 5 वेव बनाता हुआ मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में जाता है, और 3 वेव बनाता हुआ मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आता है। फिर से बता रहा हूं, बहुत आसान है और इसको मैं बहुत आसानी से सिखाऊंगा, लेकिन ये बहुत सारे किसी भी यूट्यूबर ने कवर नहीं किया है, नहीं बहुत अच्छे से बताया है। इसलिए मेरे द्वारा ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो है 20-20, 50-50 हजार में ये कोर्स बिकता है, आप लोगों को फ्री में पढ़ने को मिल रहा है। तो इसलिए इसके रिस्पेक्ट कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा 2000 से ज्यादा, ताकि मुझे और मोटिवेशन आए और मैं इसके एडवांस पार्ट भी आप लोगों के लिए बना पाऊं। लेकिन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना जरूरी है, ताकि मुझे आपको आपका मोटिवेशन पता चले कि आपको कितने सीखने की इच्छा है। ये एडवांस लेवल की पढ़ाई है। अब ध्यान से सुना, यहां पर क्या होता है, 5 वेव का कॉन्सेप्ट होता है मार्केट के ऊपर जाने का। यदि आप कमेंट करेंगे 2000 से ज्यादा तो नीचे कैसा आता है वो भी मार्केट बताऊंगा, उसका भी पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, 5 वेव बनाता हुआ मार्केट ऊपर जाता है। 5 वेव क्या होती है, इसी को कहते हैं एलियट वेव। अब ये एलियट वेव कैसे होती है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहली वेव बनती है, फिर मार्केट नीचे आता है, उसके बाद दूसरी, ये दूसरी वेव बनती है, तीसरी वेव बनती है थोड़ी बड़ी, चौथी वेव नीचे आती है और पांचवी वेव। इस प्रकार से 5 वेव जो है वो कंप्लीट होती है और मार्केट जो है एक अप ट्रेंड बनाता है। फिर से दिखा देता हूं, 5 वेव बनाता हुआ मार्केट ऊपर जाएगा। ये 5 वेव कैसे दिखेगी, इसके नियम है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। देखो इसी प्रकार से ये भी दिख रहा है, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अब ये 5 वेव बनती है और आपको मार्केट में दिखाऊंगा भी, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये वेव कहां कहां बनी, कौन कौन से अपट्रेंड में ये वेव अलग ही दिखती है आपको, और ये बनेगी और इसके बाद मार्केट उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट भी करता है। अब आप उस वेव को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते हैं, यही पूरा खेल है, यही पूरा आर्ट है कि आप इस एलियट वेव की एक एक वेव को पहचानना सीखते हैं या फिर नहीं। आपको पता होना चाहिए कि पहली वेव कैसे चालू होती है, दूसरी वेव कैसे होती है, तीसरी वेव कैसे होती है, चौथी और पांचवी वेव कैसे होती है। तो आपको एक अप ट्रेंड की वेव के बारे में पता चलता है, और आपको यह भी सिखाऊंगा मैं डिटेल में, यदि आप कहेंगे तो, कि भैया ये वेव कितनी नीचे आएगी, कितनी ऊपर जाएगी, इसका भी एक थ्योरी है। ये सारी की सारी हम चीजें सीखने वाले, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि एलियट वेव क्या है, एक 5 वेव की थ्योरी है जिसमें ये 5 वेव बनाता हुआ मार्केट अप ट्रेंड में जाता है, और 3 वेव की एक अलग थ्योरी है जिसमें 3 वेव बनाता हुआ मार्केट जो है नीचे आता है। 5 वेव कौन सी होती है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव। मैं फिर से बता रहा हूं, प्रैक्टिकल मार्केट में भी दिखाऊंगा कि ये कैसे होती है। तो हम सीखते हैं सबसे पहले पहली वेव के बारे में। पहली वेव क्या होती है, देखिए फर्स्ट वेव को कैसे पता लगाएंगे, तो फर्स्ट वेव का आप कभी भी पता नहीं लगा सकते हैं कि फर्स्ट वेव कौन सी है। क्यों नहीं लगा सकते, उसका लॉजिक भी बताता हूं, और उसके बाद कौन सी वेव आएगी और उसका पता कैसे लगाएंगे ये भी बताऊंगा। तो पहली वेव जो होती है इसका कभी भी पता नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाया जा सकता, उसका लॉजिक है, क्योंकि ये मार्केट में लास्ट लोअर हाई बनाती है। ठीक है, अब मैंने आपको कई बार डाउन ट्रेंड पढ़ाया है तो आपको याद होगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब जब भी मार्केट को ऊपर जाना है तो क्या करेगा, एक लोअर हाई लगाएगा और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। इसी प्रकार से मार्केट ऊपर जाता है, अप ट्रेंड में जाता है, पहले लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई लगाता हुआ नीचे जाता है, एक लास्ट लोअर हाई लगाता है और उसके बाद यहां से मार्केट ऊपर जाता है। तो ये वाली कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न। क्या बोलते हैं हम लोग, डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं, या डबल बॉटम भी कई लोग कहते हैं, या कई लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, यही जो डब्ल्यू पैटर्न है या डबल बॉटम है, यहां पर बहुत सारी थ्योरी छुपी हुई है और इसके बाद भी कई सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया ये वेव कैसे काम करती है। अब पहली वेव कब बनेगी ये क्यों पता नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगा, ध्यान से समझिएगा, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगा तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई के फॉर्मेशन बनाता चलेगा। अब कौन से लोअर हाई के बाद में
लोअर हाई को क्रॉस कर जाएगा मार्केट, वो किसी को भी पता नहीं रहेगा। लेकिन वो कब पता चलेगा? जब दूसरी वेव शुरू होगी और दूसरी वेव से तीसरी वेव की शुरुआत होगी। अब कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको दो मिनट में सारी की सारी बातें बता रहा हूं। पहले इसको लॉजिकली बताता हूं जो आपको समझ में आएगा। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो लग गया। अब मान लीजिए लोअर हाई लगा और उसके बाद लोअर लो लगाने के लिए गया मार्केट, लेकिन लोअर लो लगा नहीं पाया और यहीं से जो है मार्केट ऊपर आ गया, तो हमको कैसे कंफर्म हुआ कि मार्केट ने अब अपट्रेंड बनाना शुरू कर दिया है? इस बात को लॉजिकली समझिएगा, इनलॉजिकली मार्केट नहीं है। पढ़ाई बहुत लॉजिकल कीजिए, क्यों गया, कैसे गया, क्या कारण है, ये हर चीज आपको पता होना चाहिए। अब कैसे आपने इसमें देखा कि मार्केट ने अब डाउन ट्रेंड को खत्म कर दिया है और एक नया अप ट्रेंड बनाया है, तो वो कैसे पता चलता है? ये जो लास्ट लोअर हाई है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लास्ट लोअर हाई है, ये जो है हमारा रेजिस्टेंस का लाइन खींचते हैं। देखिए, जब नीचे मार्केट जाता है तो हम रेजिस्टेंस के लाइन खींचते हुए जाते हैं और ऊपर जाते हैं तो हम सपोर्ट बनाते हुए चलते हैं। अब यदि लास्ट रेजिस्टेंस जो बना था मार्केट ने यदि उसको क्रॉस कर दिया, मतलब जो लोअर हाई बनाया था, इसको हम लोअर लो कहते हैं ना, इसको लोअर लो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, लोअर हाई कहते हैं। तो ये जो लोअर हाई बना था ये हमारे लिए क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। हम सोचते हैं कि मार्केट इससे ऊपर नहीं जा पाएगा यदि डाउन ट्रेंड में है तो, लेकिन यदि उस लोअर हाई के मार्केट ऊपर चला गया तो हम इसका मतलब क्या समझते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। क्या कर दिया, ब्रेकआउट कर दिया। अब सारी की सारी थ्योरी आपको समझ में आने लगेगी। कैसे डाउन ट्रेंड में कैसे चलता है मार्केट, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, जब तक लोअर हाई को लास्ट वाला जो भी ट्रेंड है वो तोड़ नहीं देता, हम उसको डाउन ट्रेंड ही मानते हैं। और अप ट्रेंड कब मानेंगे, जब इस लोअर हाई को मार्केट, इस लेवल को जो हमने रेजिस्टेंस की लाइन बनाकर रखी है, इसको जब मार्केट तोड़ देगा तब हम कहेंगे कि एक ट्रेंड चेंज हो चुका है या हो सकता है यहां से। अब सारी की सारी बातें आपको समझ में आएगी। तो आपको पहली वेव तो कभी पता ही नहीं चलेगी कि कौन सी वेव है पहली, क्योंकि लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई ऐसा चलता रहेगा। अब जैसे ही नहीं तोड़ पाया मार्केट, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट वाले लोअर लो को मार्केट नहीं तोड़ पाया और यहीं से जो है मार्केट वापस ऊपर चला गया, तब हम इस वेव को देते हैं वेव नंबर वन का नाम, क्योंकि ये जो है इसने तोड़ दिया है, और इसको देते हैं हम लोग वेव नंबर टू का नाम, और ये वाली जो वेव होगी बड़ी वाली इसको नंबर देंगे वेव नंबर थ्री का नाम। फिर से समझ लीजिएगा, ये जो वेव है जिसने लास्ट लोअर लो लोअर हाई बनाया था इसको देंगे वेव नंबर वन का नाम, ये जो वेव है जिसने इसको नीचे तक क्रॉस नहीं किया उसको नंबर देंगे वेव टू का नाम, जो अभी हम सीखने वाले हैं, और उसके बाद वाली जो ब्रेकआउट कर जाएगी उसको नंबर देंगे वेव नंबर थ्री का नाम। तो ये बात समझ लीजिए पहली, कि वेव नंबर वन जो है उसके बारे में हम कभी पता नहीं लगा सकते कि वो कब बनेगी, लेकिन जब बन जाएगी तो हमको क्लियरली दिखेगी, जो मैं अभी दिखाने वाला हूं आपको। और लास्ट लोअर हाई होता है इसलिए हमको पता नहीं होता है। अब यहां से कहानी समझिएगा कि वेव नंबर सेकंड जो है उसका पता कैसे चलेगा आपको और उसके बारे में क्या क्या जानकारी चाहिए। देखिए, यह वेव पहली वेव को 100% रिट्रेसमेंट नहीं करती है। यदि एलियट वेव थ्योरी से मार्केट ऊपर जा रहा है तो एक सिंपल सा फंडा सिखाने जा रहा हूं आपको, हमेशा याद रखना है कि यदि मार्केट लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई ऐसे बनाता हुआ आ रहा है और उसके बाद मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गया, लेकिन यदि इस वाले पॉइंट को मार्केट ने टच नहीं कर पाया, समझिएगा, यदि इस वाले पॉइंट को मार्केट ने टच नहीं किया, मतलब मार्केट नीचे तो आया, हैवी नीचे आया मतलब बहुत नीचे आया, लेकिन ये वाला जो लेवल आपने सपोर्ट का बना रखा था, इस सपोर्ट के लेवल को यदि मार्केट नहीं छू पाया, अब इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि ये वेव टू हो सकती है। फिर से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके 40-40, 50-50 हजार लोग लेते हैं इस कोर्स को करवाने के, मैं बहुत ही आसान सी भाषा में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी इतना ही प्यार दीजिएगा मुझे, ठीक है। फिर से सुनिएगा, ये जो मार्केट यहां से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आया, नीचे तो आया बहुत ज्यादा, ये देखो यहां पर लिखा है, यह हैवी रिट्रेसमेंट करती है। कौन सी वेव, वेव सेकंड। हैवी रिट्रेसमेंट मतलब क्या होता है, मार्केट ऐसा लगता है कि ऊपर नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा नीचे गिर गया है, तो लोग सेल करने लगते हैं, जबकि सेल नहीं करना होता है। तो यहां पर क्या गुल खिलाता है मार्केट आपको, कि मार्केट पहले ऊपर गया और फिर हैवी नीचे आया, बहुत ज्यादा नीचे आया, आप सबके मन में मार्केट ये डाल देगा अब तो तहस नहस हो जाएगा, अब तो मार्केट गिरने वाला है, मैं भी बेच दूंगा। जैसे ही आप बेचेंगे अब वेव थर्ड शुरू हो जाएगी।
कौन सी वेव शुरू हो जाएगी, वेव थर्ड। तो ये कैसे पता चलेगा कि वेव सेकंड है, वेव सेकंड है ये कैसे पता चलेगा? तो वेव सेकंड है इसका पता चलेगा दो बातों से। पहला क्या, यह वेव पहली वेव को 100% रिट्रेस नहीं कर सकती। कैसे, यहां पर एक बार फिर से दिखा देता हूं। यदि ये वेव ऊपर गई है और यहां पर यदि एक सपोर्ट बना है तो ये यहां तक नहीं आ सकती, इसको 100% रिट्रेस नहीं कर सकती, मतलब ये वापस यहां पर टच नहीं कर सकती है। यदि कर दिया मतलब वो एलियट वेव नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। तो अब क्या होगा फिर, 100% तो रिट्रेस नहीं करेगी लेकिन एक हैवी रिट्रेसमेंट होगा। हैवी रिट्रेसमेंट क्या होता है, 50% से ज्यादा मार्केट अपने आप को करेक्ट करेगा, ये होता है हैवी रिट्रेसमेंट, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वेव टू है। अब कहानी आती है वेव थ्री की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट वेव होती है। वेव थ्री क्या होता है, वेव थ्री एक ऐसी वेव होती है जिसको हर बड़ा व्यक्ति, हर ऑपरेटर, हर बड़ा FIA हो, DIA हो, HNI हो, कोई भी हो, वो इस वेव को छोड़ना नहीं चाहता है, वो इसको ट्रेड करना चाहता है और वो इसको पकड़ना चाहता है। इस वेव को क्यों पकड़ना चाहता है, क्योंकि दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिट शेयर मार्केट में कहां होता है, वेव थर्ड में। और यदि अगली बार अप ट्रेंड आया और आप भी वेव थर्ड को पकड़ना सीख गए तो मेरी अब विश्वास मानिए कि आप जो है बहुत ही बढ़िया अमीर व्यक्ति बन सकते हैं यदि आपने वेव थर्ड को पकड़ लिया। कैसे पकड़ते हैं, कैसे ढूंढते हैं, उसके नियम है। देखिए, थर्ड वेव जो होती है वो सबसे बड़ी वेव होती है। पहले तो मैं ये बता दूं, वेव थर्ड सबसे बड़ी वेव होती है। सारी चीजें भी मैं डिस्प्ले पे दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। इसकी शुरुआत एक बड़े गैप अप या फिर ब्रेकआउट से होती है। यदि आप डे का टाइम फ्रेम देखेंगे, मैं आपको एग्जांपल डे के टाइम फ्रेम में ही बताऊंगा, यदि आप लोग डे का टाइम फ्रेम देखेंगे तो एक बड़ा गैप अप नजर आएगा आपको नीचे बॉटम पर। कैसे नजर आएगा, मान लीजिए यहां पर, मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, ठीक है। यहां पर ये वेव वन बनी, ये वेव टू बनी और जब वेव थ्री बनेगी तो यहां पर इस जगह पर एक बड़ा गैप अप या बड़ा ब्रेकआउट नजर आएगा, किसी इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ता हुआ नजर आएगा। तो यदि प्राइस लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में चल रहा था और लास्ट वाले लोअर लो को तोड़ नहीं पाया और अब ऊपर जा रहा है और एक गैप अप से तोड़ रहा है, अभी दिखाऊंगा कैसे तोड़ा है मार्केट ने, कई बार किया है ऐसा, तो यदि आपको ऐसा होता हुआ दिखता है आप समझ जाइए कि ये वेव थर्ड है। और यदि वेव थर्ड बन गई है, शुरू हो गई है, तो पैसा लगाइए आप फिर बढ़िया, क्योंकि आपको बढ़िया प्रॉफिट होगा। कैसे होगा ये बात समझिएगा, यहां पर देखिए, तो एक बड़े ब्रेकआउट से या गैप अप से इसकी शुरुआत होती है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा बनता है इस वेव में, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबा मार्केट इसी रन में भागता है और सभी बड़े लोग इस ट्रेड को करते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि ये वेव जो है बड़ा ज्यादा फायदा देके जाने वाली है। अब मैं आपको मन ललचाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि तीन वेव हो गई है, चौथी और पांचवी अभी बची है, लेकिन अब मैं आपको मार्केट में दिखा के लाता हूं वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, देखिए कैसे दिखती है। चलिए, अब ये हम आ गए हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, और मार्केट के अंदर हम आ गए हैं तो आपको वेव वन, वेव टू, वेव थ्री दिखाता हूं प्रैक्टिकली। यहां पर देखिए, पहले एक ये वाली दिखाता हूं फिर आपको अलग अलग दिखाऊंगा। यहां पर देखिएगा, अब आप लोगों को आश्चर्य होगा कि यार इतने समय से हम मार्केट देख रहे हैं, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने गुरुकुल में एडमिशन लिया है उनको तो ये सब पता है, उनको ये सब हम सिखा चुके हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं तुम्हारे लिए ये आंखें खोल देने वाला चैप्टर है, आंखें खोल देने वाली थ्योरी है। तुम लोग भी कहोगे कि बाबा रे बाबा, अभी तक मार्केट में थे हम लोग लेकिन हमको ये थ्योरी नहीं पता थी, कैसे मूर्ख हैं हम लोग। लेकिन मूर्ख नहीं बने रहोगे, अब समझदार बन जाओगे, मैं आ गया हूं आपको पढ़ाने। आपको बस इतना करना है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्यार बरसाना है अपना और कुछ नहीं करना है। अब देखिएगा, यहां पर आपको दिखना चालू भी हो गया होगा और यदि नहीं हुआ है तो अब एक मिनट में यहां पर आपको दिखने वाला है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिएगा, ये है वेव वन, ठीक है, ये है वेव टू और ये है वेव थ्री, ये है फोर और ये है फाइव, जहां पर मार्केट खत्म होता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं आप लोगों के लिए, येलो कर देता हूं, यदि आप ध्यान से देखेंगे मार्केट को तो आपको सारी की सारी जो वेव है वो नजर आएगी। फिर से देखिएगा, ये है वेव वन, ये है वेव वन, ये है वेव टू, यहां से वेव टू बनी, ये वेव थ्री, ये वेव फोर और ये वेव फाइव। अब यदि मेरी बात को आप समझ गए हो, तीन वेव को आप पढ़ चुके हो और समझ गए हो, तो अब मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करता हूं। यहां पर क्या, ये जो है वेव वन है, ये कौन सी वेव है, ये वेव वन है, ठीक। ये जो है वेव टू है, अब मैंने अभी आपको बताया था कि वेव टू जो होती है वो बहुत ज्यादा हैवी रिट्रेस करती है। देखो, हैवी रिट्रेस किया लेकिन इस पॉइंट के नीचे नहीं आ पाया मार्केट,
नहीं आ पाया मार्केट, ऐसा होगा। यह है वेव थ्री, और वेव थ्री की शुरुआत यदि आप देखोगे तो यहां पर बड़े गैप अप से हुई है। ये देखो, ये वाला लेवल तोड़ने के लिए बहुत बड़ा गैप अप था। ये गैप अप हमें क्या बताता है कि वेव थर्ड शुरू हो गई है। सबसे बड़ी वेव होती है वेव थ्री। देखो कितनी बड़ी वेव है, यहां से लेके यहां तक व्यक्ति ने प्रॉफिट उठाया होगा। तो यदि आप वेव थ्री को पकड़ते हैं तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता है। अब यहां पर एक बार नहीं ऐसा होता है, ये मार्केट है भैया, यहां पर हर बार ऐसा होता है। चलो अब एक बहुत बड़ी वेव जो रिसेंट में बनी थी मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर देखिए, आपको यहां पर ध्यान से देखिएगा, सारी की सारी वेव जो है नजर आएगी। ये है वेव वन, ये है टू, ये वेव है थ्री, ये है फोर, और फिर ये है फाइव, और उसके बाद तीन वेव बना के मार्केट नीचे आता है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे इस मार्केट को तो आपको क्या दिखेगा, वही वेव वन टू थ्री फोर फाइव, और यहां पर भी जो मैंने सिखाया है वही है। क्या है? वेव थ्री सबसे बड़ी वेव है। अब यदि किसी व्यक्ति ने कोई शेयर यहां खरीदा होता, फिर से सुनिएगा, यदि किसी व्यक्ति ने कोई शेयर यहां खरीदा होता और यहां बेचा होता तो खुद अनुमान लगाइए कि कितना प्रॉफिट होता। ये निफ्टी 50 में हमको देखना है, अपने थॉट को क्लियर रखो। ये वेव कहां देखना है हमको? निफ्टी 50 में। यदि निफ्टी 50 में अब ट्रेंड बना है और वेव थर्ड बनी है तो निफ्टी 50 के सारे अच्छे स्टॉक भी ऊपर जाएंगे, इस बात की लगभग लगभग 70-80% श्योरिटी तो है ही। क्योंकि निफ्टी 50 अकेला ऊपर नहीं जाता है, जितने भी उसके अच्छे स्टॉक होते हैं वो स्टॉक निफ्टी 50 को ऊपर ले जाते हैं। इसलिए यदि निफ्टी 50 पर ध्यान दे देंगे तो बाकी सारे शेयर, बाकी सारे सेक्टर पर आपका अपने आप ही ध्यान चले जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। तो ये वेव आपको दिख गई होगी। अब क्वेश्चन आता है कि थर्ड वेव भी समझ गए कि भैया यहां पर एक ये सबसे बड़ी वेव होती है, इसमें गैप अप से शुरुआत होती है, ब्रेकआउट दिखता है, पैसा सबसे ज्यादा बनता है, बड़े लोग इसको ट्रेड करते हैं। वेव फोर्थ का क्या, वेव फिफ्थ का क्या, इसको भी समझा देते हैं। तो वेव फोर्थ क्या होती है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कॉम्प्लेक्स वेव होती है, एक करेक्टिव वेव होती है। पहले तो ये करेक्शन करती है, करेक्शन करती है मतलब नीचे की ओर आती है। यहां पर मैंने आपको बताया था, चलो यहां पर मार्केट में ही बता देता हूं। देखो वन टू थ्री, ये फोर है, फोर क्या कर रही है, देखो ध्यान से, ये करेक्शन कर रही है। करेक्शन मतलब ये मार्केट नीचे की ओर आता है। वेव फोर जब भी बनेगी तो मार्केट करेक्ट होगा, और करेक्ट होगा तो लोगों को लगेगा नया डाउन ट्रेंड चालू हो गया, लेकिन मार्केट उल्लू बनाएगा और क्या करेगा, जितने भी प्रकार के ट्रायंगल आपने देखे होंगे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल या जिस प्रकार का भी आपने ट्रायंगल देखा होगा मार्केट के अंदर, तो वो यही होता है। इसमें कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है। अब करेक्शन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल करेक्शन, एक होता है कॉम्प्लेक्स करेक्शन। सिंपल करेक्शन में एक करेक्शन होता है जिसको कहते हैं जिगजैग, कॉम्प्लेक्स करेक्शन में तीन प्रकार के करेक्शन होते हैं जिसे कहते हैं फ्लैट करेक्शन, ट्रायंगल करेक्शन और कॉम्बिनेशन के करेक्शन। फ्लैट करेक्शन भी दो प्रकार के होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर दिमाग का भाजी बड़ा बना दिया आपने, तो ये फटाफट क्या बोल गए। यही तो है, यही चीजें हम लोग क्या करते हैं गुरुकुल के क्लासेस में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, और जब डिटेल में पढ़ते हैं तो मार्केट की स्टडी होती है। आप खुद सोचकर देखिए, जहां से आप लाखों करोड़ों रुपए कमाने की बात करते हैं, आपने बीए किया, बीकॉम किया, जो भी पढ़ाई की उसमें आपने हजारों लाखों रुपए खर्च किए, और आप सीखे कुछ, उससे नौकरी लगी कुछ, नहीं हो पाया कुछ। अब आप मार्केट सीखना चाहते हैं जहां से आप लाखों करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, लेकिन सीखना नहीं चाहते हैं, बिना सीखे बिना कुछ पढ़े हम लोग मार्केट से अमीर बनना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, ऐसा ना तो पॉसिबल था और ना है और ना कभी होगा, सीखना तो पड़ेगा ही, तो अच्छे से सीख लो इसलिए, ठीक है। अब फोर्थ वेव में क्या होता है, ये करेक्टिव वेव होती है और कॉम्प्लेक्स करेक्शन होते हैं, ठीक, और इसमें सभी ट्रायंगल बनते हैं, मोस्टली चार प्रकार के ट्रायंगल जो है इसके अंदर बनते हैं। यदि आप कहेंगे तो बहुत डिटेल में भी इसकी क्लास लगाई जा सकती है, उसके लिए आपको अपना प्यार देना पड़ेगा, है ना। तो जितने भी प्रकार के ट्रायंगल आप देखते हैं मार्केट में वो यहीं करेक्शन में दिखाई देते हैं, और इसे ट्रेड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि भैया ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन है, इसमें मार्केट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, इंसान को उल्लू बनाता है, पागल बना देता है, और यही वो वेव है जिसके अंदर मोस्टली ट्रेडर फंसकर अपनी जान दे देते हैं, मतलब अपना सारा का सारा पैसा गंवा देते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि आपको इस वेव का यदि पता चल जाए, सिग्नल मिल जाए कि फोर्थ वेव है, इससे दूर रहिएगा, ये आपके सारे के सारे पैसे खर्च करवा देगा। चलो इसके बाद कौन सी वेव आएगी, इसके बाद आएगी फिफ्थ वेव। यह
ट्रेंड की लास्ट वेव होती है और इसके बाद एक छोटा डाउन ट्रेंड या बड़ा डाउन ट्रेंड की शुरुआत होती है। यह वेव एक वेव की लंबाई के बराबर हो सकती है और इसके बाद मार्केट नीचे आ सकता है, एबीसी बनाकर ऐसी संभावना होती है। तो ये पांच वेव होती है जिसका फॉर्मेशन मार्केट के अंदर बार बार होता है। अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया है, हर बार ही होता है लगभग। मैं जब से मार्केट को देख रहा हूं लगभग मैंने हर अप ट्रेंड में इन वेव को पढ़ने की कोशिश की और ये वेव मुझे मिली। अब इसके अंदर और भी कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ाने में लगभग 30-40 मिनट 50 मिनट की और क्लास लगती है। तो अब यदि आपको बात समझ में आ गई हो कि ये जो वेव है किस प्रकार से चलती है, मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, इसका पता कैसे चलता है, तो इसका पता चलता है एलियट वेव से। देखो यहां पर पता चलेगा ना, ये यदि आपको पता चल गया कि ये वन वेव चालू हो गई तो टू बनाने के लिए मार्केट कहां आएगा, नीचे। आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट नीचे आ रहा है, इसका मतलब वेव टू बन रही है। अब यहां से यदि मार्केट चालू हुआ तो वेव थर्ड बनी। अब थर्ड में क्या होता है, गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप, ऐसी शुरुआत होती है, थोड़ा रेस्ट, फिर गैप अप गैप अप गैप अप, ऐसे होती है। फिर आपको पता चल गया थर्ड वेव कंप्लीट हो गई तो फोर्थ वेव बनेगी, और फोर्थ वेव कैसी होती है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है, मार्केट नीचे आएगा। नीचे आएगा तो क्या होगा, पटकनी मारेगा लोगों को गिराएगा पड़ाएगा, और उसके बाद फिर से कहा जाएगा फिफ्थ वेव बनाने के लिए, मार्केट फिर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो वापस एक प्रॉफिट देगा और उसके बाद मार्केट एबीसी बनाता हुआ नीचे आ जाएगा। इसको कहते हैं एबीसी, लेकिन ये आप कहेंगे तो अगली क्लास में मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो भैया और बहनों मेरी ये बात समझना कि आपको पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। आपको लगता था मार्केट इतना सा है, इतनी सी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे और ट्रेड कर लेंगे, ना बाबा ना। आपको अच्छे से पढ़ना होता है, सारी चीजों को सीखना होता है, जानना होता है। यदि आप सारी चीजों को नहीं सीखते हैं, नहीं जानते हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आप मार्केट में कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी के लिए तो हम लोगों ने क्या किया है, गुरुकुल की शुरुआत की है। और आप सभी को पता है कि 1 फरवरी से जो है हमारा नई क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए आप सभी से विनती है कि जितने भी भाई बहनों ने अभी तक भी कोई सीखने की शुरुआत नहीं की है, फीस में 60% का डिस्काउंट चल रहा है, इससे अच्छा ऑफर कभी नहीं मिलेगा। 3999 हमारा अभी ये कोर्स है, कोर्स का फीस है। पूरे 45 दिनों तक हम लोग 1.5 से 2 घंटे साथ में होंगे और पूरा मार्केट सीखेंगे, और सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं सीखेंगे, हम हेल्थ के बारे में सीखेंगे, माइंड के बारे में सीखेंगे, इमोशंस के बारे में सीखेंगे और मेडिटेशन के बारे में भी सीखेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, और यदि कोई भी दिक्कत आती है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में, कोर्स को ज्वाइन कीजिए ताकि 1 फरवरी से आप और हम लाइव मिल सके और धमाका मचाए 45 दिनों के लिए और स्टॉक मार्केट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में सीखे। अपना प्यार अपने कॉमेंट में बरसाते रहिए भैया, ताकि ऐसे ही और क्लासेस आते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।